वैश्विक बाजारों के साथ 5G तकनीक के मामले में कंधे से कंधा मिलाकर चलना भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स और विशेषज्ञों के अनुसार भारत में बैकहॉल के चलते मौजूदा नेटवर्क को 5G पर स्थानांतरित करना एक बड़ी चुनौती है, वो भी तब जब भारत में सिर्फ 20% से कम नेटवर्क ही फाइबर ऑप्टिक केबल पर चल रहे हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन के EVP जल्स चौधरी ने कहा। 5G की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक मजबूत बैकहॉल है जो फिलहाल भारत में मौजूद नहीं है। यह चुनौती भारत के लिए काफी बड़ी है क्योंकि यह सबसे अधिक समय लेने वाला भाग है और यह भारत में आज की स्थिति में बेहद महंगा साबित हो सकता है। क्या है बैकहॉल? बैकहॉल एक ऐसा नेटवर्क है जो सेल साइट्स को सेंट्रल एक्सचेंज से कनेक्ट करता है। अगर भारत में 2020 तक 5G उपलब्ध हो भी जाता है और इस नेटवर्क को लाने का इसलिए आधारभूत चुनौतियों को कवर कर भी लेता है तो भी एक अच्छे 5G नेटवर्क की उम्मीद तब तक नहीं की जा सकती जब तक भारत के पास विश्वसनीय और मजबूत बैकहॉल न हो। फाइबर बैकहॉल देगा सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड। भारत में 80% सेल साइट्स माइक्रोवेव बैकहॉल से कनेक्टेड हैं, जबकि बाकी की 20% साइट्स फाइबर के जरिए कनेक्टेड हैं। विश्लेषकों की माने तो बैकहॉल की बैंडविड्थ में समस्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि वह पुरान बैंड इस्तेमाल करते आ रहे हैं जो 300 मेगाबिट प्रति सेकंड की कैपेसिटी ही उपलब्ध कराते आ रहे हैं, जबकि फाइबर पर आधारित बैकहॉल अनलिमिटेड कैपेसिटी देने की क्षमता रखता है। चीन की टेलीकॉम गियर निर्माता कंपनी हुआवे के मार्केटिंग और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन के डायरेक्टर चंदन कुमार ने कहा कि भले ही भारतीय बाजार में नया स्पेक्ट्रम खोज लिया गया है और उसे वैश्विक स्पेक्ट्रम प्लान के साथ जोड़ भी दिया गया है, लेकिन फिर भी भारत तो एक मजबूत बैकहॉल नेटवर्क की आवश्यकता है। आपको बता दें कि मार्च में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में सैमसंग और रिलायंस जियो ने 4G नेटवर्क को मिलकर और बेहतर बनाने के लिए अपने इन्फिलेंट ग्रोथ प्रोजेक्ट का ऐलान किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान से संकेत मिले हैं कि सैमसंग और जियो दोनों 5G के लिए अभी से ही तैयार हैं, लेकिन 5G नेटवर्क 4G की जगह नहीं लेगा बल्कि इसके लिए अलग तरह का ढांचा तैयार किया जाएगा। गैजेट्स के बीच होगी तेज कनेक्टिविटी। सैमसंग के अधिकारियों के अनुसार 5G एक बेहद ताकतवर वाईफाई की तरह होगा जो कुछ किलोमीटर के दायरे में अभी के मुकाबले लाखों गुणा ज्यादा स्पीड से डाटा ट्रांसफर करेगा। इससे अलग तरह के एप्लीकेशन मशीनों और गैजेट्स के बीच काफी तेज कनेक्टिविटी देखी जा सकेगी। मसलन आपके घर के गैजेट्स आपस में कनेक्ट होकर एक दूसरे को जरूरत के हिसाब से कंट्रोल कर सकेंगे। केबल वी के लिए तार की जरूरत नहीं होगी और वायरलेस के जरिए कंटेंट भेजा जा सकेगा। रिलायंस जियो के अधिकारियों ने बताया कि LTE में सुधार की बहुत गुंजाइश और संभावनाएं हैं, लेकिन जहां तक आगे बढ़ने की बात है तो हम 5G को अपनाने और लागू करने के लिए तैयार हैं। एयरटेल और BSNL भी 5G की रेस में। अप्रैल की शुरुआत में एयरटेल और BSNL ने अपने ग्राहकों को 5G नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नोकिया के साथ मिलकर एक नई रणनीति तैयार करने की घोषणा की थी। नोकिया के मार्केट हेड इंडिया संजय मलिक ने बताया, हमारा मकसद यहाँ 5G लाना है, उसके लिए किन चीजों की जरूरत है यह देखा जाएगा। उन एप्लीकेशन की पहचान की जाएगी जो टारगेट ऑडियंस के काम आ सकते हैं। यह 5G में एंट्री के लिए शुरुआती कामकाज है।